आइटम है ये तो पीने वाला मन कर रहा है बस यहाँ जैसे करके। पहली बार मम्मी जो है वो किसी ढाबे पे आई, हम लोग आए हैं नैनीताल ढाबे पे। ठीक है सर, पहली बार गई थी मम्मी भी, ठीक है उन्हें भी काफी अच्छा लगा और काफी खुश है। सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने सारे पकवान मेरे लिए आज, हम थोड़ा सा घर पे नहीं थे, सुबह 7 बजे गए थे और प्रॉपर हमने 12 से 13 घंटे काम किया है। उसके बाद अभी आके एक वीडियोस भी रिकॉर्ड किया और अब ये बहुत सारे पकवान लोग हमें दे के गए हैं, इन्हें खाने वाले हैं, खा के बताने वाले हैं कितने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट हैं। कुछ लोगों के अगर हम नाम लें तो नौशीन थी, मैविस थी, उरूज थी, हर्ष थे, बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, जो अलग अलग पकवान हमें दे के गए हैं। हाँ, इन लोगों को जरा खा के देखते हैं कितना स्वादिष्ट होने वाला है। अगर हम इधर से आए, थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, तो ये हमें लग रही है सिमई। ईद पे अगर सिमई ना खाई जाए सर तो उसका तो मजा ही फिर खराब हो जाएगा। तो इसे खा के देखते हैं, मीठी सिमई है, बहुत ज्यादा टेस्टी है और लग रहा है ईद वाली बिल्कुल फीलिंग आ गई है सर। ठीक है, थोड़ा सा और अगर मजे लें हम, जो सर ये लग रही है हमें खीर, ठीक है, इसे खा के देखते हैं। मस्त आइटम है ये तो, पीने वाला मन कर रहा है बस यहां जैसे करके। थोड़ा गऊँ मत समझिएगा, देसी आदमी, इसे हम बाद में भी पियेंगे वाइट के, ठीक है सर। अगर हम थोड़ा सा इधर आए तो ये हमारे पास हलवा है, इसे भी खा के देखते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लोग सोच रहे हैं सब आपस में मिक्स कर लिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सारी चीज़ों का अलग अलग स्वाद। ये खीर है, मज़ा आ गया, बिल्कुल डिलीशियस तो सर है। और अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हमारे पास दही भरे हैं सर, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं खाएंगे क्योंकि थोड़ी सी गले वगैरह वाली दिक्कत रहती, लेकिन हाँ ये रहा मीठी चटनी में गया, मज़ा आ गया बिल्कुल दोस्तों। अगर फैक्ट की बात बताएं, और ये मिठाई तो अभी हम ज़्यादा नहीं खाने वाले, लेकिन चलिए सर इसे भी थोड़ा सा खा लेते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, अभी मम्मी के साथ में थोड़ा सा जाना भी है, इन चीज़ों का मज़ा हम लेंगे। अगर हम एक ओवरऑल आपको समअप करें तो सारी चीज़ों का अपने आप में मज़ा है, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। दही बड़ा और ये खीर तो अभी हम बिल्कुल चाट के पीने वाले हैं, उसके बाद ये एक एक करके खाएंगे बैठ के। हाँ, आप लोगों की अगर नज़र है सर तो सर आपको खुद ही बना के खाना पड़ेगा, या तो इस वीडियो को अपलोड करते हुए देखते हुए भागते चले आइए तो थोड़ा बहुत आपको देख सकते हैं। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और फिलहाल हम मज़े लेते हैं दही भरे के, थोड़ा सा आपके मुँह में पानी लाते हैं। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया बिल्कुल। चलिए बने रहिए ब्लॉग पे, मिलते हैं अभी। तो दोस्तों फिलहाल दही भरे और खीर हम गए खा, बाकी चीज़ हमने फ्रिज में संभाल के रख ली हैं। आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आगे भी आंटी जी के साथ जाएंगे, वो आपको दिखाते हैं, चलिए बने रहिए। तो दोस्तों फिलहाल तो आज का दिन काफ़ी बिजी रहा, ठीक है, और अभी शाम को थोड़ा सा चिल करने का टाइम है। एक्चुअल में वीडियोस वगैरह बहुत सारी बननी, काम मेरे पास अभी बहुत सारा है। इधर आंटी जी तैयार हो गई हैं, ठीक है सर। तो अभी एक शादी है, शायद शादी में चलना, शादी में जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया सर, ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पियेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो अभी हम लोग घूमते घूमते आ गए थे बरेली मोड़, ठीक है, पीछे हैं मम्मी, और पहली बार मम्मी जो है वो किसी ढाबे पे आई, हम लोग आए हैं नैनीताल ढाबे पे, ठीक है सर। कुछ खाना वगैरह ऑर्डर किया, हालांकि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन मिक्स सब्जी है, रायता, हालांकि पनीर वगैरह भी, लेकिन इतना नहीं खा पाएंगे क्योंकि खा के आए थे अभी, आपने देखा था ब्लॉग में ईद वाला काफ़ी कुछ खा के आए हैं। तो हाँ, मम्मी पहली बार आई हैं तो इस वजह से चलिए कुछ खिलाते पिलाते हैं, बने रहिए आप ब्लॉग में। फिर आप जिसका मुझे था इंतजार, हम लोग आ गए हैं घर पर, ठीक है, थोड़ा सा मम्मी का रिएक्शन लेते हैं। हाँ भाई, तो कैसा लगा तुम्हें पहली बार? बहुत बढ़िया सब्जी लगी, बहुत बढ़िया, सारी चीजें काफी बेहतरीन थी। और थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो, ठीक है, हमें लगभग हमारे पिताजी खत्म हो गए 26-27 साल, ठीक है, और हम मेला भी पहली बार फैक्ट्री स्टेट जा पाए थे कब, जब हमने 12th पास कर लिया था तब, तो आज पहली बार गई थी मम्मी भी, ठीक है, उन्हें भी काफी अच्छा लगा और काफी खुश है, हम तो फिलहाल खुश रहते हैं, मस्त मौला आदमी। फिलहाल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम मिलते हैं आपसे एक और ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद।